हाँ तो दोस्तों, अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे किसके बारे में, क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस जो है, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल है। देखो, समझने के लिए उसके लिए अपन को क्या इमेजिन करना है कि भाई एक ग्रिड है, ठीक है, और उस ग्रिड में मैं क्या करूं कि अगर हर पॉइंट को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो क्या होगा कि भाई मेरे पास एक पैटर्न मिल के आएगा। अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी हर टाइप के सॉलिड की, तो अब वो सॉलिड्स किस किस टाइप से अरेंज रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई क्रिस्टल लैटिस एक्चुअली में होता क्या है, तो देखो ये रही डेफिनेशन। क्रिस्टल लैटिस में आपको सिर्फ ये चीज में ध्यान में रखना है कि भाई वो होता है एक रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो भाई पॉइंट्स है, कुछ नहीं, एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट है और उसी के बेसिस पे सारी चीजें हम, भाई देखो साइंस क्यों पढ़ते हो, साइंस इसलिए पढ़ते हो ताकि आपको चीजें जो है अपने आसपास की समझ में आने लगे कि भाई उसको आप रिलेट करते हो कैसे मैथ से। तो भाई ये रहा उसकी डेफिनेशन का है कि क्रिस्टल लैटिस की, कि भाई अ रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज नोन एक क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस है भाई, पूरा का पूरा लैटिस बना दिया सर, कैसे ये सारे की सारी चीजें, तो भाई इसका फंडामेंटल क्या है, फंडे हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो भाई फंडामेंटल इसका ये है कि ये जो है यूनिट सेल, ये इसका फंडामेंटल है। तो भाई यूनिट सेल क्या होता है, अब यूनिट सेल ये होता है कि देखो ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जो कि जब रिपीट किया जाए हर डायरेक्शन में तो हमको क्या जनरेट करके दे दे, एक पूरा क्रिस्टल लैटिस। तो भाई देखो इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक आपके लिए बहुत टू डायमेंशनल में एक एग्जांपल बनाया है। यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स ले लिए, इन पॉइंट्स को अगर आपने क्या ज्वाइन कर दिया, एज अ स्क्वायर ज्वाइन कर दिया, और फिर आप आगे भी इनको क्या करते जाओ, इसी डायरेक्शन में ज्वाइन करते जाओ और आगे आगे ज्वाइन करते जाओगे, तो क्या होगा आपके पास में एक रेगुलर पैटर्न बनेगा। तो भाई इस लैटिस का पूरा जो है यूनिट सेल कहाँ है, ये रहा, ये कहीं से भी चालू हो सकता है, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो ये रहा अपना यूनिट सेल। तो भाई अब ये यूनिट सेल जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसमें से क्वेश्चन आता है। तो भाई ये देखो, यूनिट सेल जो है हमारे दो टाइप के मेनली क्लासिफिकेशन है उनका, और वो क्लासिफिकेशन क्या है, ये प्रिमिटिव और सेंटर्ड। अब प्रिमिटिव और सेंटर्ड ये सारी चीजें अपन को दिमाग में बैठती हैं तो ठीक है, नहीं बैठती तो सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान में रखो कि भाई प्रिमिटिव जो होता है उसके बीच में फेस पे ऊपर नीचे कहीं पे भी एटम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एटम कहाँ पे लगे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग पॉइंट्स पे, जहां पे हमारे जैसे हमने क्यूब लिया तो क्यूब के अंदर एटम्स कहां पे लगे होंगे, उनके कॉर्नर्स पे, कहां पे लगे होंगे, उनके कॉर्नर्स पे। फिर इसके बाद में अगर दूसरी टाइप देखें तो सेंटर्ड। अब सेंटर्ड में देखो कहीं ना कहीं पे एटम होगा, ठीक है, एटम कॉर्नर्स के अलावा भी जहां पे हो वो काय की कैटेगरी में आते हैं, सेंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो भाई देखो एक हमारे पास में FCC, FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में मतलब उसके जितने भी फेस रहेंगे उस पे क्या रहेगा, एक एटम रहेगा, और वो एटम जो है कितनी शेयरिंग देगा वो चीज अब अपन को ध्यान में रखनी। भाई उसका डेरिवेशन जो है वो अभी समझाऊंगा, बहुत समय निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन अपन को सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि भाई जो कॉर्नर का एटम होता है वो कॉर्नर का एटम जो है कितनी कंट्रीब्यूशन देता है एक पूरे के पूरे लैटिस को, 1/8, कितना देता है 1/8। तो भाई अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूबिक की तो इसके तो सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम है, तो कितने कॉर्नर हुए, 8, ठीक है, तो भाई 8 हो गए कॉर्नर। फिर उसके बाद में एक एटम कितना कंट्रीब्यूशन देगा, एक एटम कितना कंट्रीब्यूशन देगा, 1/8। तो अगर मैं बात करूं कि एक सिंपल क्यूबिक लैटिस टाइप में कितने एटम होते हैं टोटल, तो भाई ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 1, कितना आएगा आंसर, 1।
अगर मैं बात करूं कि भाई सर इसमें कितने होते हैं, एफसीसी और बीसीसी और ईसीसी, ईसीसी इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन एफसीसी और बीसीसी से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो भाई एफसीसी में मैंने क्या बताया कि फेस सेंटर में बेसिकली हर फेस में क्या होगा, एक एटम होगा, हर फेस में एटम होगा, तो वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा ये ध्यान में रखना है। फेस वाला एटम जो है वो हमेशा कंट्रीब्यूशन देता है 1/2, कितना देता है 1/2। तो भाई कॉर्नर पे तो एटम है ही और 1/2 जो है वो फेस वाला दे रहा है, तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे देखो। तो टोटल एटम हो जाएंगे कितने, 4। अब अगर मैं बात करूं बीसीसी के बारे में तो बीसीसी में कितना होगा वो देखते हैं। तो टोटल एटम कितने हो गए, 2। अब बीसीसी में ये 2 एटम कैसे हो गए, ये जो एक एटम है वो कहां पे रहता है, बॉडी के सेंटर में सिचुएटेड रहता है। कहां पे रहता है, बॉडी के सेंटर में सिचुएटेड रहता है। तो अब हमने देख लिया कि क्रिस्टल लैटिस में अगर हम अलग अलग टाइप में जाएं तो किसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, ठीक है। तो भाई ये बात हुई हमारी काय की, क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस में आपको इतना ही ध्यान में रखना है, आगे की बात जो अपन करेंगे वो करेंगे अब अगले वीडियो में। तो भाई तब तक के लिए तैयारी करते रहो, डटे रहो, ठीक है। पेशेंस जो है वो बहुत जरूरी है तैयारी करने में, ठीक है। तो भाई सारी चीजें जो है ध्यान में रखो और इस चीज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। तो भाई ले लिया स्क्रीनशॉट। तो भाई अब ये जो सारी चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है और इसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो तब तक डटे रहो और पढ़ते रहो। तब तक के लिए जय हो।